मुझे देख क्यों नहीं रहा? देखने लायक नहीं हो ना? देखने लायक है? एकादशी हो क्या चीज है ये? थोड़ा और मेकअप लगाओ। आगे 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 ना, कोई अंकल आगे देख लीजिए आगे। हाँ हाँ आगे आगे। हेलमेट नहीं निकालेंगे क्या? जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं लेट हो जाएगा। अभी तक यहाँ कोई अंकल आगे देख लीजिए आगे आगे। ये भी आ गया। हाँ हाँ आगे आगे। ये देखिए गाइस, ये आदिवासी हेयर ऑयल लगाते हैं। आप भी लगाइए, आप भी लगाइए। थोड़ा और मेकअप लगाओ। चले? हाँ चलो। जामे क्या चीज है ये? अच्छा, इसमें चिड़िया बैठी हुई है। ये गणेश जी का वो है। बस करिए भैया, मुझे अब नजर लग जाएगी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, गर्मी बढ़ रही थी, बाल दिक्कत कर रही थी, धूल धक्कड़ बढ़ रहा था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। तो अब जल्दी से जल्दी शूट कंप्लीट करके घर भागना था हम लोगों को, तो ठीक है। और फिर उसके बाद लाइटिंग का भी थोड़ा इशू होने लगता है, क्योंकि धूप बहुत कड़ी होने लगती है। और ज़्यादा कड़ी वाली धूप हो जाती है ना, तो भी वीडियोस कम अच्छी आती हैं। यश इस पोज में बैठे थे, तो हमने मम्मी को कहा कि इनकी फोटो शोटो क्लिक कर लो भाई। और मेकअप करके बिल्कुल नहीं गए थे, सिर्फ आईलाइनर और लिपस्टिक लगवा था। भगवान को मेरे ऊपर कुछ ज्यादा दिया गया कि आओ लोगों, हम तुम्हारे ऊपर धड़ाधड़ करके 5-6 किलो 10-20 किलो पाउडर उड़ा देते हैं। तो उन्होंने ढेर सारी ट्रक और पाउडर के लिए धूल धक्कड़ भेज दिया। बट कोई बात नहीं, काम करना है तो भाई हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। हर काम में अलग अलग टाइप्स की तकलीफें मैनेज, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है, सब झेलना और करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और टैन नैन 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 करते करते अभी एक ट्रक वाले भैया आएंगे। ये 1, 2 और 3। रुक गया, इधर से नहीं आ रहा है। अब करिए हाय। निकालेंगे, इधर ही खड़ी करनी है। खड़ी करनी, लाइट का ले ले। अच्छा लाइट का ले ले, जलाइए। बहुत अच्छा, एक नंबर। ये देखो अभी, अरे उनको पता नहीं, ठोक ओक देंगे अभी। थोड़ा और मेकअप लगाओ। हट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये ए भगवान, आप हमको देख क्यों नहीं? एक बात बताओ, तुम ये बताइए, तुमको मम्मी पहना, तुम सीख लीजिए, देखिए हम देखने लायक कोई चीज हो तब देखे ना। नहीं नहीं देखिए, मुझे ज्यादा सुंदर लग रही हो ना। सवाल नहीं है, सुनो, मुझे नजर ना लग जाए इसलिए आप नहीं देख रहे। सवाल नहीं, नजर लायक कोई चीज है ही नहीं। नजर लायक ना, नहीं देखने लायक नहीं है ना, तो क्या देखे? बताइए क्यों नहीं देख रहे? इसलिए देख रहे हैं, सुनो, देखो हमको देख नहीं रहा है कि हमको नजर लग जाए। पहना है कि अपने स्पाइन में मम्मी बनाई, ऑफ कोर्स कहेगी अपने से पहन ले। इसका मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ, आप मुझे तभी नहीं देख रहे। अब देखो मुर्गी और चचेरी, चलो कपड़ा बदलो फटाफट, बन जाए साड़ी पहने चाहे कुछ पहने, खलहारी बना दो। ये बताओ चावल तो खरीदना है आज? आराम से एकादशी हो, एकदम चावल छुएंगे नहीं। आज चावल ना है जिसमें, रोटी सब्जी दाल अच्छा साचा। तो मुझे देख क्यों नहीं रहा? देखने लायक नहीं हो ना? देखने लायक ही नहीं हो? देखने लायक नहीं हो? देखने लायक नहीं, देखने लायक नहीं, देख नहीं रहा, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? देखने लायक है, देख रहे हैं तुम, देखने लायक नहीं, तुम्हारी साड़ी कितना लायक नहीं? एकदम नहीं देख रहे, देखो साड़ी एकदम ऊपर देख, क्या बात कर रहा है? साड़ी खराब ढंग से पहनी हो ना, अच्छे ढंग से मुँह पे देखिए ना। नहीं नहीं, तुम्हारा मुँह लायक नहीं है। अब एक बन रही है आलू की भुजिया, जो कि मम्मी के व्रत में रह जाएगी। लौकी की सब्जी, रोटी और दाल, क्योंकि आज एकादशी का व्रत भी है तो चावल नहीं खाएंगे। ठीक है मम्मी, ये देखो, हंसो और हंसो। हट हट।
बस ये प्रणाम कौन बोलेगा? प्रणाम मम्मी। यही सब सिखाए हैं तुमको हम? हाँ मम्मी। हम कहे यही सब सिखाए हैं तुमको हम, प्रणाम नहीं करती हो? ये कैमरा लेने के लिए इधर आया, ठीक है, फोन लेने के लिए। उसके बाद नानी का फोन आ गया, वो देने गए। इतने 2 मिनट हमको नहीं लगा होगा, उतनी देर मम्मी 7-8 आलू काट ली मेरे बिना, ठीक है। हम बोले थे पूरा मत काटना, हम आ रहे, काट रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं, ठीक है। उतनी देर में 7-8 आलू काट ली, मुझे इतना ज्यादा दुख हो रहा है। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है कि मतलब क्या बताया, पूरी सब्जी मम्मी काट डाली। अब मेरा काम है छौंकने का, क्योंकि हम सब्जी बहुत मस्त छौंकते हैं, तो हम जा रहे हैं चल सब्जी छौंकने। तो पापा का खाना इस बार क्या हुआ कि हम लोग का प्लान था सुबह से कि हम लोग थोड़ा जल्दी उठ के चले जाएंगे शूट पे, फिर शूट से वापस आके खाना शाना बन जाएगा। बट क्या हुआ ना कि थोड़ा गाड़ी वाड़ी आती जाती रहती है और कुछ कुछ रीजंस की वजह से लेट हो गया। हर बार 2 साल से यही हो रहा है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी बाहर जाते हैं, पापा के लिए नाश्ता खाना रख के जाते थे, ठीक है, बना के पापा खा लेते थे। आज था, सुबह था, पापा सोते हैं लेट तक, थोड़ा दवा का असर रहता है। तो हम लोगों ने सोचा पापा के सोने तक हम लोग आ जाएंगे, बट आज पापा जल्दी उठ गए। और फिर अब ये हुआ है कि बस 20-25 मिनट में पूरा खाना पापा के पास हो जाएगा। हम जा रहे हैं फिर सब्जी छौंक के नहाने, मम्मी रोटी बनाएंगी, पूजा करके फिर हम भी खा लेंगे, और मम्मी का फलहार भी हम रेडी कर रहे हैं, मम्मी भी खा लेंगी। तो बस एक एक करके सारा काम हो जाएगा, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो अभी भी कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो लग रहा है, हमने कहा था ना मेरा फेस का जो लाइक है वो डिपेंड करता है कैसा मौसम है। ज्यादा गर्मी होती है ना तो इतने प्रचंड वाले अजीब से लगने लगते हैं, तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है। अरे आप सब पी नहीं गया, इसको बंद कराओ। हाँ तो अब बस जा रहे हैं रोटी सब्जी दाल खाने के लिए। मेरी तो ये मेरी पूजा हो चुकी है, अब बस खाने जा रहे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है हम। और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 15-20 मिनट या आधे घंटे, फिर मस्त थोड़ा एडिट करेंगे, क्योंकि वीडियो भी पोस्ट करनी बची है। और ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये लग रहा है दीमक, इनको लगने दीजिए, इन लोगों का काम ही है लगना। जैसे कुछ लोगों का काम होता है भौंकना, कुछ लोगों का काम होता है अच्छा काम करना, कुछ लोगों का काम होता है प्यारा दिखना। समझदारी कोई इशारा काफ़ी है। तो सबको अपना अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं, मेहनत से वीडियोज़ बनाते हैं और मेहनत से एडिट करते हैं, मेहनत से पोस्ट करते हैं, और अभी फ़िलहाल मेहनत से खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है। शूट पे मज़ा तो आता है बट मेहनत भी बहुत लगती है। और फिर बस सब कुछ अच्छे से हो गया, पापा भी टाइम पे खाना खा चुके हैं, मम्मी भी, अब बस मेरी बारी, हम जा रहे हैं खाना खाने। तो आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। टाटा टाटा नहीं, अभी आ रहे ना, आ रहे ना। टाटा 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 टाटा, क्या टाटा?